गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट अ न्यू लेसन फ्रॉम द 10th क्लास। लेसन इज योर ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और हियर वी आर हैविंग थ्री पार्ट्स, सो वी विल टुडे गो फॉर ओनली वन पार्ट, दैट इज बेकर फ्रॉम गोवा। यू नो अबाउट द बेकर्स? हु आर द बेकर्स? द पर्सन्स हु बेक द थिंग्स दैट दे आर कॉल्ड द बेकर। बेकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लाइफ। Today they are very important. Earlier they were very, very important because the bread that you eat, it was the part of that. Royal days where the bakers were playing the key role. So this lesson will tell you about the how the bakers and their life, their activity and their importance for our country was great. So let's start the journey. Baker from Goa. ठीक है। रिमेम्बरेंस अबाउट पोर्टुग्यूज डेज, मींस जो पुर्तगाली थे जब इंडिया में रूल कर रहे थे, स्पेशली कुछ पार्ट पे, तो कुछ टाइम पे ब्रिटिशर्स भी कुछ हिस्से पे रूल कर रहे थे और कुछ हिस्सों पे पोर्टुग्यूज का रूल था। तो वट एवर द पोर्टुग्यूज दे वर रूलिंग देयर, द ब्रेड वाज द मेन पार्ट ऑफ दैट। ऑन दैट टाइम बेकर्स वर वेरी एक्टिव। फाइन, जो बेकर्स एक्टिव थे, बेकर्स जो काम कर रहे थे, वो किस तरीके से काम था, क्यों ब्रेड इतना इंपॉर्टेंट था उस समय पे, तो आज यहाँ पे रिमेम्बर्स करने की, जो पोर्टुग्यूज डेज थे, तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, बेकर्स वहाँ पे काम करते थे। आज पोर्टुग्यूज यहाँ से चले गए हैं, मीन्स पुर्तगाली यहाँ से चले गए हैं, तो आज सारा काम खत्म हो गया। आज भी वो मशीनें हैं जिसमें वो क्या करते थे, मिक्स करते थे। आज भी वो चूल्हे हैं जिसके अंदर आज भी आग जलती है, ठीक है। आज वो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके द्वारा ब्रेड से या फिर पाव रोटी जो होता था बंद होता था, एवरीथिंग वॉज देयर। वो पुराने लोग जो पोर्टुगीज टाइम पे ब्रेड मेकिंग का काम करते थे, अब नहीं है, बट उनके बेटों ने क्या किया, कुछ काम करना शुरू कर दिया है। मानता हूं इतना सक्सेसफुल नहीं है, बट स्टिल इन द सम पार्ट ऑफ द गोवा, ठीक है, द पीपल दोज दे वर अर्लियर डूइंग द बेकिंग वर्क, स्टिल दे आर डूइंग, बट दे आर नॉट वेरी फेमस लाइक ऑन दैट टाइम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Authors recall his childhood days. जो राइटर है वो क्या कर रहा है, रिमेम्बरेंस कर रहा है, याद कर रहा है उन पुराने टाइम को, कि हाउ द ब्रेड वर वेरी ऑस्पिशियस फॉर ऑल ऑफ अस। बेकर यूज टू कम, आर गुड मॉर्निंग वॉज हैपनिंग विद दैट जिंग जैंग सॉन्ग। मीन्स जो बेकर था, बेकर जब आता था तो उसके पास क्या होता था, एक वो होता था लकड़ी का डंडा, उसके ऊपर घुंघरू बंधे होते थे। When he was coming, putting this, तो उसे आवाज आती थी, तो उस आवाज को सुन के हम लोग जग जाते थे व्हेन ऑथर वाज चाइल्ड, और वो हमारे लिए अलार्म था, वी वर वेटिंग फॉर दैट वन के बेकर आएगा। तो रीजन क्या था, बच्चे इतने क्यों साइड रहते थे, क्या वो ब्रेड खाने के लिए, नहीं, बेकर जो थे जब आते थे, बच्चे इसलिए नहीं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते थे, जग जाते थे, बेकर से आगे ब्रेड लेना है, नहीं, वो तो नौकर भी ला सकता था घर का, पर जो ब्रेड था उसको जो चूज करने का जो शौक था, क्योंकि कई बार जब वो टोकरा रखता था, टोकरे में से बहुत सारे ब्रेड्स को लोग निकालते थे और चूज करते थे, और कई बार जो लोफ होते थे ब्रेड के जो बड़े बड़े से, वो क्या होता था, वेरी इंपॉर्टेंट होता था, कि बहुत मीठा निकलता था कई बार, तो जो बेकर्स थे उसको क्या करते थे, उसमें से चुनने का मौका मिल जाता, इसलिए बच्चे जगते थे, ठीक है। उसके बाद है मैरिज पार्टी, नो मीन विदाउट ब्रेड, यानी ब्रेड इतना ऑस्पिशियस था उस समय कि अगर ब्रेड नहीं है तो शादी अधूरी है, कोई ओकेशन अधूरा है, पार्टी अधूरी है, क्यों, क्योंकि ऑन दैट टाइम वी वर यूजिंग द ब्रेड फॉर मेकिंग सो मेनी ऑस्पिशियस डिशेस। और स्पेशली ब्रेड का तो ऐसा था कि मतलब दुल्हा दुल्हन को उसको देना ही देना है, विदाउट ब्रेड शादी ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो ब्रेड इतना इंपॉर्टेंट था कि घरों के अंदर बहुत सारे ब्रेड के आइटम्स बनते थे, संडे है, कोई फेस्टिवल है, तो ब्रेड का आइटम जरूर बनेगा। इवन टुडे वी आर यूजिंग सो मेनी थिंग्स विद दैट ब्रेड, केक हो गया, ब्रेड पकौड़ाज हो गए, या फिर वट एवर द डिशेज वी आर मेकिंग, वी आर यूजिंग द ब्रेड फॉर दैट वन। तो उस समय इतना इंपॉर्टेंट था ब्रेड की, मतलब आज तुम नॉर्मली खा रहे हैं ना, ऑन दैट टाइम स्पेशल डिशेज बनते थे ब्रेड के, अगर किसी शादी पार्टी में ब्रेड ना हो भैया कुछ नहीं खाया, सब कुछ दे दो, ब्रेड का कुछ डिश नहीं मिला, तो दैट इज टोटली रॉन्ग, शादी ही खराब हो गई। एक होता था बॉल, बॉल मीन्स होता है ब्रेड, और बॉल पार्टीज हुआ करते थे, आपके बुक के लेसन में भी है बॉल पार्टी। तो उसके अंदर क्या है कि ब्रेड को ही बॉल कहते थे, और स्पेशली ब्रेड की सारे डिशेज होती थी। बेकर ड्रेस पैडर,
जो बेकर होता था वो कपड़े कैसे पहनता था, तो जो बेकर होता था वो एक अलग तरीके का कपड़ा पहनता था, पूरा पजामा, लंबा सा झोला टाइप का, थैला, टोपी होती थी। तो आज इस तरीके कोई ड्रेस ड्रेस पहनता है तो उसको पैटर्न कहते हैं। तो उसके बनावट, उसका चलना, उसका बोलना, ठीक है, सब कुछ अलग था, बच्चे उसको कॉपी करते थे। मतलब एक तरीके से सोसाइटी के अंदर बेकर्स की एंट्री ही जबरदस्त होती थी। ठीक, हाउ द बेकर्स वर्क, बेकर्स क्या करते थे, जैसे दूध होता है, अखबार होता है, इसी तरीके से सुबह सुबह ब्रेड लेके जाते थे और शाम को जब रिटर्निंग में आते थे तो लोग क्या करते थे, पैसे इकट्ठा करते थे, फिर मंथली बेसिस पे भी बांधा होता था, मंथली बेसिस पर भी वो जाते थे तो ब्रेड के पैसे ले लेते। तो मतलब ब्रेड इस उस समय लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था। उस समय जो ब्रेड का काम करते थे, ब्रेड बनाते थे, बेकर्स होते, मतलब उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, पैसे ठीक ठाक कमाते थे और एक अच्छी खासी लाइफ जीते थे। पर आज के टाइम पे द पीपल दोज दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ द वर्क, दे आर वेरी पुअर, दे डोंट हैव इवन प्रॉपर अमाउंट टू सर्वाइव देयर लाइफ, देयर चिल्ड्रन, देयर children, their family members, still they are suffering because today we are not having such kind of the amount there which can be very, very helpful for them. So this was the short journey of the bakers of India. Okay, see the video, try to understand. If there are any type of the doubts, you can ask me. Thank you.